दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच गजब के ऐप बताने वाला हूँ जिन्हें आप यूज करने के बाद बोलोगे ओह माय गॉड, वाओ, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये कौन कौन से ऐप है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है पर्सनल डीएनएस फिल्टर। तो दोस्तों, ये जो ऐप है वो क्या करता है, दरअसल आपके फ़ोन में जितनी भी एड्स होती है, ऐप्स में जो एड्स होती है उन्हें ब्लॉक करने का काम करता है। तो अगर आपके फ़ोन्स में ऐड आती हैं, कोई भी चीज़ में अगर ऐड आती हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ब्राउज़र पर सफ़र करते हैं, या फिर मतलब ब्राउज़र पर ब्राउजिंग करते हैं, वहाँ पर भी ऐड आती हैं, तो आप उन्हें भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस ऐप का यूज़ ज़रूर करके देखना, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। और हाँ, इसका अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो जरूर से इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कैसा है। तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है टेराबॉक्स। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में क्या है कि आपको एक टीवी की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने फोटोज़, वीडियोस, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा है वो आप स्टोरेज के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप जब चाहें इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में से डिलीट भी हो जाता है तो भी आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपको 1 TB की स्टोरेज प्रोवाइड करती है। लाइक जैसे गूगल फोटोज़ आपको प्रोवाइड करता है, उसी तरह से ये आपको 1 TB की स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो आपको इसे यूज़ करके ज़रूर देखना चाहिए, और जिससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन का डाटा है वो सिक्योर रहेगा। और अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज कम है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो यूज़ करके ज़रूर बताना कैसा है। तो हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है कॉपी टेस्क। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन की सहायता से आप कोई भी फ़ोटो पे जो भी लिखा है उसे आप कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन की सहायता से आप ये जो काम है वो इजीली कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, समझ लीजिए आपके पास कोई फ़ोटो है, उसमें टेक्स्ट अवेलेबल है और आप उसे कॉपी करना चाहते हैं। तो सिंपल सा ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फ़ोटोज़ चूज़ कीजिए। फ़ोटो चूज़ करने के बाद प्रोसेस करिए तो आपको सारा टेक्स्ट दिखाई दे जाएगा, उसे आप कॉपी करके किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, तो इस एप्लीकेशन को जरूर से यूज करके देखना। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है पिक्सल 4D लाइव वॉलपेपर। तो दोस्तों, इसमें आपको इतने बढ़िया वॉलपेपर देखने को मिलेंगे, आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखना। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। आप इसे यूज़ करोगे तो दूसरा बंदा भी आपसे पूछेगा कि भाई ये कौन सा एप्लीकेशन है, आपने कहाँ से इसे यूज़ किया है। तो इसे ट्राई ज़रूर करके देखना। और ये बहुत ही कम MB का भी है, और इसमें आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये जो वॉलपेपर है वो 4D वॉलपेपर आपको देखने को मिलते हैं, तो मतलब बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप इसे यूज़ करने के बाद ज़रूर बताना कि एप्लीकेशन आपके लिए कैसा था। तो दोस्तों, जो हमारा लास्ट एप्लीकेशन है वो है एक्सेस डॉट। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपकी कौन सी परमिशन, कौन सा ऐप क्या ले रहा है वो इससे चेक कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आप अभी माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डॉट दिखाई देगा कि ये जो है वो माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है। आप कैमरा यूज़ करोगे तो कैमरे के वहाँ आपको डॉट दिखाएगा कि मतलब कैमरा यूज़ हो रहा है। यानी कि ये जो है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया फीचर लगा। जैसे मतलब रहता है ना कि एंड्रॉयड 12 में अभी जो फीचर आया है जो बता देता है कि माइक्रोफोन की परमिशन चालू है, कि कैमरे की परमिशन चालू है, उस तरह से ये आपको इंडिकेट कर देगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपसे काय काय की परमिशन लेके क्या क्या बैकग्राउंड में चालू रखा है। तो ये मुझे मतलब सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया लगा। अगर आपका फ़ोन ऑफ भी रहा तो अगर इसने इंडिकेट किया तो मतलब आपके फ़ोन को हैक किया गया है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप इसे चेक करके ज़रूर देखना। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सारी चीजें कर देना। और मैं आपको मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।